ये स्पॉट और ये देखो ये एडवर्ड है, ये एडवर्ड ये इन्होंने बेचा है 1800 में बिका है, 64,800 बिका है पिछले दिनों, एक पीस है। ये देखिए इसे, ये देखिए इसमें क्या फर्क है, ये देखिए नाउ इट इज डीपी, इसमें और इसमें कैन यू डिफरेंस बिटवीन बोथ कॉइंस? नो, मुझे तो कोई डिफरेंस कोई, इसे 55,000 का है। और इसी को लेकर हम लोग नुकसान कर देते हैं अपना, ये लेकर नुकसान करते हैं, ये लेकर हम नुकसान करते हैं। अभी देखेंगे कि इसमें और इसमें कोई किसी तरह का डिफरेंस, बल्कि प्योरिटी ये है व्यापोनी तो भुवन यूज ये एडवर्ड पोन लेके आप अपना नुकसान कराते हैं, एक नहीं 10-10 लाख का नुकसान पड़ेगा, लेकिन वो आप खुद ही करते हैं, वो तब जब आप इसको छोड़ के एडवर्ड पॉन्ड को चुनते हैं। जी जी बेटा बिल्कुल, मैं ये हवाई मैंने पहले अर्ज किया कि मैं अपने आप को गोल्ड डीलर ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को आई एम कश्मीरी, मेरा कश्मीर का पैसा बाहर गलत तरीके से नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा खून है, हम अपना खून के दूसरे को अपना दे। मैंने पहले बोला मेहनत है, मतलब पूरी जिंदगी सर्व कराई हूं पॉइंट अनस। कोई अगर आपको ये भी, मैं आपके वसा से साफरीन को यही बात कहना जरूरी समझता हूं कि कोई भी दुकानदार जो सोने के काम से ताल्लुक था कहेगा कि ये नकली है वो असली है, इसको मुझसे मिलाए, मेरे से बात कर ले, वो आवाम के सामने मेरे से बात कर ले, धोखे में मत आइए। बिल्कुल हाँ, वो कस्टमर कहे दुकानदार को, उसका हक बनता है कि जब वो शॉपिंग करे दुकानदार को भी पसीना आना चाहे, बिल्कुल, और खरीदने वाले को भी पसीना आना चाहे, वो उसे करे बात करे, बचाव डिफरेंस क्या है इसमें? हाँ। अगर कोई डिफरेंस होगा आई एम रेस्पॉन्स फॉर दैट, लेकिन हम गांव को बार बार कहते भैया मत ले लो ये, वो करने हमें लेना है, हमारा निकाह नहीं होगा, चल रहा क्या है, तो मजबूर जो कत्ल जो करा रहा है, मैं गाह करा रहा है। अगर आप जम्मू में ये पोंड बेचोगे इसको 10,000 रुपए कम हो जाएगी। ये पोंड जो है ये करेंसी एडवर्ड की करेंसी यहाँ चलती है, कश्मीर में ही चल, नॉट आउटसाइड कश्मीर। पोंडन ही चु वारिया डिमांड चुना, तो इस आई पत्म लड़ती तो ऐसी कास करने इवन पोंडन खतरे यूज असली प्राइस शु नकली प्राइस शु, तो अब आज की डेट में बात करेंगे इस बजट सेशन के बाद से क्या कुछ रहने वाला है इसका। बेटा पोंड के बारे में कह कर मैं थक गया। हाँ। कुछ लोग जो है कस्टमर जो है जो बात को समझते हैं उन्हें मेरी बात को समझ लिया। बिल्कुल। कश्मीर में हमें इससे पहले भी मैं कई बार आवाम तक ये जानकारी मैंने दी कि जो हमारा कश्मीरी का ये जो गाहक है, हमारा कश्मीरी भाई जो है वो हमारे जेवर के साथ साथ पोंड मांगता है। अगर हम उनको पोंड नहीं देंगे तो वो हमारे जेवर को हाथ में लगाता है, वो भागता है, मजबूर हमने उसके लिए पोंड लाना पड़ता था, जहां से ये पोंड आते थे वहां के व्यापारी हमें इस डिमांड को नाजायज फायदा उठाते हैं। सपोज कि मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि पोंड जो है उसका जो वेट है 8 ग्राम है, 7 ग्राम 360 मिली उसकी प्योरिटी है, उस हिसाब से उस पोंड का वैल्यू जो होना चाहे वो 10,000 कम होना चाहिए, 10,000 कम जी, 10,000 ज्यादा एक्स्ट्रा देखिए। अब बताए कि 10,000 कत्ल क्यों हो रहा है, 10,000 क्यों हो रहा है, ये जो एडवर्ड की जो ये डिमांड है सिर्फ कश्मीर में है, एडवर्ड और डीपी वो इसके बाद में डीपी पर आ रहा हूं। तो ये अगर जूम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कश्मीर, मैं 1907 से लड़ रहा हूं, आप मुताला कीजिए, पेपरों का मुताला कीजिए, प्रिंट मीडिया का मुताला कीजिए, या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुताला, मैं बार बार गाहकों से यही रिक्वेस्ट कर, ये पोर्ट मत ले ले, इसके बदले ये पोर्ट है 916 का, यही सोना इसमें भी है और यही सोना इसमें भी है, जितने पैसे इसको बाहर आएंगे उतने पैसे एडवर्ड को भी आएंगे, उसमें एक ये एडवर्ड क्या है, एडवर्ड नहीं है, ये कॉपी है, ये एक पोर्ट केरला में बनता है, एक पोर्ट मद्रास में बनता है, इस पोर्ट और इस पोर्ट में 8,000 से 9,000 डिफरेंस है। मगर मैं बहुत शुक्र गुजार हूं, मुझे दिली खुशी है कि जो ये बात समझते कि नहीं मुझे एडवर्ड नहीं चाहिए, मुझे डीपी दे दो,
वो अपने पैसे बचाता है। ये पैसा, हाँ, अब दुकानदार को ये कोई कहेगा कि दुकानदार को 10,000 रुपए मिलते हैं। कश्मीर में ये ना थोड़ा एक मतलब लका भी हो ऐसा ना, नॉट लका भी हो आपको मिलता है 1,00,000 रुपया, ये तो 10 लाख रुपए में 3 पाउंड 2 पाउंड और नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अगर खुदा ना खासा आपको कभी इमरजेंसी रात को दिल्ली जाना पड़े, आपके भैया नो कैश, आपके घर में 1 पाउंड 10 है 1 पाउंड 20 है, आप आउटसाइड कश्मीर बेचोगे तो वहाँ आपको 10 पाउंड में 2 लाख रुपया काम हो जाएगा। तो क्या वॉट इज ये क्या है, ये कौन सी सनस है? आज अगर यही जो मैं जो पॉइंट जो डीपी जिसको कहते हैं जगह जो वो डीपी ने अभी उन्होंने जो ये फ्रॉड करते हैं ये व्यापारी, इनका नाम डीपी रखा है, उनसे मैं आपकी वसासत से चैलेंज करना चाहूंगा, चैलेंज उसमें गवर्नमेंट के जो अफसर लोग भी बैठे कि वो मुझे दिखाए इस पॉइंट में क्या फर्क है। अगर वो कहेंगे इस पॉइंट में 100 मिल का फर्क है, 100 मिल कितना होता है, 700 रुपया, और कश्मीरियों का तो बिल्कुल भी नहीं है 7 लाख तक है। ये पौंड का जब नाम सुनते हैं तो आंखों में अलग ही, फिर वो आगे क्या है क्या नहीं है। कश्मीर का जहाँ तक ये जो है ना, ये पौंड का जो रिवाज चलता है, पहले यहाँ पौंड जो चलता था वो चलता रशियन, उसमें 1/2 ग्राम सोना ज्यादा होता था। रशियन वो छोड़ दिया, उसके बाद लिया जॉर्ज, रशियन के बाद जॉर्ज, वो भी छोड़ दिया, उसके बाद एडवर्ड। अच्छा, जो अभी तक, अब बाहर की मंडी का मुताला कीजिए या बाहर के जो भी जिसकी जिसी किसी भी अखबार में रेट निकल रहा है आजकल मीडिया के जरिए रेट निकलता है, उसमें ना एडवर्ड होता है ना जारिज होता है, उसमें सिर्फ बोलते गिनी सॉवरेन हो गया पौंड। ये एडवर्ड वर्ड ये देखिए इस पौंड या ये दे, क्योंकि मैं आवाम को धोखा नहीं दूंगा। तो फिर भी हमें चाहिए कि अगर तू कहती चीज खुदाइन वुचने खतर तो समझने खतर दिमाग दुमुत, अगर कशुर कहती शॉपिंग करान कहती बड़ इन्वेस्टमेंट करान, हमारी गाड़ी पे अगर हमें मामूली सा स्क्रैच लगता है जन ऐसे दिलस स्क्रैच लगा तो बहाल छन कहती ये साथ तुम पन्न कोरियन छू मतलब दुल्हन बनाने के सपने को लेकर पूरी जिंदगी सरफ करते हैं, वालदेन अपनी पूरी जमा पूंजी उनकी शादियों में बिताते हैं, लेकिन तब बिना सोचे कि ये छुन जरूरी नहीं है कि आप सोसाइटी को देखे एकिस बीस वुचित अनु तो एडवर्ड पॉइंट, बल्कि ऐसा नहीं है एकिस बीस वुचित न क्या बल्कि पनन सेंस यूज करित अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए और आप डिफरेंस खुद जानेंगे, अपना पैसा बचाइए, अपने आप का ध्यान रखिए और साथ में जो है पहले गोल्ड ज्वेलरी खरीदने से पहले किसी भी गोल्ड ज्वेलर से जो है कंसल्ट करना जरूरी है। इसमें कीजिए साफरीन को ये थोड़ा आगाही मिलनी चाहिए, जॉब से ये पोर बाहर से आए हैं जिस 916 हम इसको 916 कहते हैं, वो 912 नहीं है, वो भी 916 है, एडवर्ड है वो भी 916 है। ये स्टार्ट 42 में बेचे, उस वक्त एडवर्ड का रेट था 67,000, अगर आज ये कस्टमर बेचेगा ये पाउंड इसको 54,000 रुपीज वापस आएगा, अगर एडवर्ड बेचेगा इसको 62,000 वापस आएगा। अब देखिए कि कौन सा पोर्ट से है कौन सा गलत है, सोचना आपको है, पैसा आपका है और समझना भी आपको ही है। इसके साथ नाज़रीन उम्मीद करेंगे आपका आपको जो है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा और अपने अपनों तक जरूर पहुंचाइएगा क्योंकि इस वीडियो में भर भर के इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग गोल्ड ज्वेलरी एंड रिगार्डिंग द गोल्ड परचेजिंग एंड स्पेशली फॉर द पेरेंट्स फॉर द ब्राइड्स एंड फॉर द ग्रूम्स हु आर गोइंग टू बी मैरिड। इसके साथ ही नाज़रीन आज मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए कश्मीरा सेंस के साथ।